साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। ২০১৪ के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए हैं।